नमस्कार दोस्तों, ये 44 इयर्स के व्यक्ति का पाम है और इनका पहला सवाल है, क्या मैं विदेश जॉब के लिए जा पाऊंगा? तो मेरा जवाब है हाँ, 100% जा पाओगे। उसका कारण है, मैंने ये क्लोजअप लिया, इसके बाद इनके ओवरऑल पाम के लिए मैं दूसरा हाथ लूँगा। ये पतली रेखाओं वाला हाथ है, इसके लिए मुझे क्लोजअप का सहारा लेना पड़ा। इनकी ये जो फेट लाइन है, ये यहाँ से चलकर ये सीधी घुमाव ले रही है इस तरह से, और ये सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर देखती है, तो वो विदेश से धन प्राप्ति की लाइन माना जाता है, यानी व्यक्ति को विदेश से धन लाभ होता ही है। तो पहले सवाल का जवाब यस, ये 100% विदेश कमाने जा सकते हैं। और इनके जो शनि पर्वत पर जो दूसरा फोटोग्राफ्स है, उस पर ये क्लियर रेखाएं नहीं दिखती है, तो यहाँ पर भी बहुत सारी रेखाएं, तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम इनके जीवन में आती रहेगी, कोई टेंस वाली बात नहीं है। तो ये मैटर मैं यहाँ ही क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जो दूसरा पाम का फोटो है, उसमें इतनी पतली रेखाएं क्लियर आ नहीं रही है। तो इस क्लोजअप का सहारा लेकर मैं शनि पर्वत का मैटर भी धन रेखा का क्लियर करता हूँ, आपके जीवन में कंटिन्यू इनकम आएगी। अब ये जो कट है, इसके बारे में मैं ओवरऑल जो फोटोग्राफ्स है उसके अंदर बताऊंगा, जब फेट लाइन पर आऊंगा तब। तो यस, आपके पहले सवाल का जवाब यस है। दूसरा इनका सवाल था कि क्या इनका बेटा इनके साथ अच्छी तरह से रह पाएगा या अच्छी तरह से उसकी परवरिश होगी। तो ये जनरली पामिस्ट्री में व्यक्तिगत सवालों के जवाब मिलते हैं ज़्यादातर। हाँ, अगर इनका जुपिटर माउंट उस फोटोग्राफ में देखेंगे वो बेटर होगा, तो पारिवारिक समस्याएं नील बटा नील होती है। तीसरा इनका हेल्थ से रिलेटेड है, तो इनका जिस तरह की जीवन रेखा बनी हुई है, तो मुझे लगता है इनके शरीर में मोटापा अच्छा खासा रहता होगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यानी सूजन भरी हुई हो इस तरह की रेखा वाला। अब ये फोटोग्राफ्स के कारण है या इस तरह की रेखा है, अगर इस तरह की रेखा होगी तो व्यक्ति के शरीर में मोटापा अच्छा आता है, और उस मोटापे के कारण छोटी मोटी प्रश्न खड़े होते, इससे ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता। अब इनके दूसरे फोटोग्राफ पे चलते हैं। फोर्टी फोर एज है इनकी, और ये पाम को देखे तो काफ़ी स्क्वायरिश पाम है, तो मेहनती स्वभाव होगा, मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ते। उंगलियां मोटी है तो शरीर में एनर्जी अच्छी रहती है, और पाम के मुकाबले जो फर्स्ट फैलेंज है और उंगलियां थोड़ी सी बड़ी भी है, यानी पाम के मुकाबले, तो व्यक्ति बहुत एनालिटिकल स्वभाव वाला होता है, यानी प्लस माइनस करने वाला। तो ये लोग थोड़े से जीवन में स्लो हो जाते, और पाम के मुकाबले उंगलियां सेम साइज की है, तो थोड़ी सी इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो ज़्यादा होने के कारण थोड़े से स्लो होते। दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पर अंगूठा मध्यम टाइप का है, तो मध्यम पर्सनालिटी होगी, और तीखा ज़्यादा है, यानी फर्स्ट फैलेंज, तो कार्य के प्रति जिद ज़्यादा रहती है व्यक्ति की, और सेकेंड फैलेंज एवरेज से कम है, तो लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात बताने में कहीं ना कहीं कमजोरी फील करते, और थोड़ा सा मांसल कम होने के कारण व्यक्ति अपनी हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। अब चलते इनकी उंगली की ओर, उंगली को देखें तो दोनों एक ही साइज की, और शनि की उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है जब शनि की उंगली बड़ी होती है, और ये छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और यहाँ पर देखें तो ये बुध वाला पार्ट ऐसे तो ओवरऑल उभार लिए हुए, पर यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो व्यक्ति को अपने मन की बात बोलने में कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, जैसे कंपनी में कहीं काम कर रहे या परिवार में भी बैठे,
तो व्यक्ति अपनी मन की बात बताने में कहीं ना कहीं कमजोरी व्यक्त करता है, समय पर याद नहीं आती और समय निकलने के बाद याद आता है कि मुझे ये बात बोलनी थी, पर इनका बुध पर्वत इतना भी दबा हुआ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और बुध रेखाएं है तो व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, यानी व्यापार की समझ इनमें अच्छी खासी होती है, और जब इस तरह की कोई एक रेखा हृदय रेखा से निकलती है तो जनरली देखा जाता है कि साइंस या टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जीवन भर व्यक्ति पैसा कमाता है। अब यहाँ पर सूर्य पर्वत पर देखे तो एक स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा चलकर ऊपर जा रही है। ये रेखा व्यक्ति को शुरुआत में तो काफ़ी कष्ट देती है पर बाद में कंफर्टेबल जीवन देती है। उसके पहले भी है रेखा पर बीच बीच में कट काफ़ी है, पर यहाँ से ये काफ़ी स्मूथ होकर आगे बढ़कर सीधी चल रही है और काफ़ी तलवार की धार की तरह है, तो ये काफ़ी अच्छी सूर्य रेखा है। और ये इसका एक्टिवेशन पीरियड लगभग 45-46 के आसपास से है। यहाँ से ये बैठे बैठे इनकम इनके जीवन में आएगी और एक छोटा सा ट्रायंगल भी बन रहा है इनके पाम पर। यहाँ पर सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल यानी आप आम लोगों से ज़्यादा संपन्न बनते हो। एक तो चीज़ ये, मन की इच्छा लगभग सारी पूरी होती है इस ट्रायंगल के कारण। दूसरी चीज़ देखे तो यहाँ पर मुझे एक स्टार, अगर ये बारीक रेखा यहाँ पर होगी और ये बनने वाली स्टार बनता होगा तो ये भी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी लाभ देता है। ऐसे लोगों का नाम भी अच्छा खासा होता है और दाम भी अच्छा मिलता है ये स्टार के कारण। पर ये शर्त ये है कि ये जो बीच वाली रेखा है ये यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। ये बारीक हाथ वाला पाम है तो ये इनको ही देखकर कंफर्म करना पड़ेगा। ये दो रेखाएं तो क्लियर कट दिख रही है इनके पाम में, ये और ये, पर ये रेखा जो थर्ड वाली मैंने अभी मेंशन की, ये अगर होगी तो ये स्टार है, ये दाम भी देगा और नाम भी देगा व्यक्ति को। और यहाँ पर देखे तो विद्या रेखा भी बनी हुई है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये पूछ पूछ कर काम करने की संख्या काफ़ी बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज़ देखे तो शनि पर्वत पर यहाँ से उभार ज़्यादा है तो व्यक्ति को सुबह उठने में तकलीफ होती है, पर ये फ्लैट है, ये फोटोग्राफ थोड़ा सा बेंड करने के कारण हाथ को, जिनके हाथ बारीक रेखाओं वाले होते वो रेखाओं को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हाथ को थोड़ा सा बेंड कर देते, तो वहाँ फिर ग्रहों का जो स्थिति है वो देखने में तकलीफ आ जाती है। आप कभी भी पाम एनालिसिस के लिए भेजो तो जैसी रेखा है वैसी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्पेशल दिखाने की कोशिश करोगे तो आपकी दूसरी चीज़ें छुप जाएगी, तकलीफ आएगी। आप स्ट्रेट ही फोटोग्राफ लीजिए, आपकी रेखा पतली होगी मैं क्लोजअप मांग लूंगा और मेरा जजमेंट मैं ले लूंगा, राहु रेखाएं नहीं दिखती होगी तो मैं वहां पे क्लोजअप मांग लूंगा और उनको देख लूंगा। आप अपने पाम को स्ट्रेट ही रखने की कोशिश करिए, पतली रेखा वाले इस बैंड कर देते, जैसे प्रसाद लेते समय अपना हाथ बैंड होता है, इस तरह की कोशिश करते रेखाओं को दिखाने के लिए। पर वहां पे फिर माउंटों के जो उभार है उनके जो प्लस माइनस है वो छुप जाते हैं। तो इनका क्लोजअप था, इसके लिए मुझे पता है कि ये माउंट फ्लैट है, व्यक्ति में आलस बाद में रहता नहीं एक बार उठने के बाद। और यहाँ की फेट लाइनों का डिस्कस हम क्लोजअप में कर चुके। अब ये गुरु पर्वत, ये थोड़ा सा हाथ बैंड है पर गुरु पर्वत यहाँ से उभार है और यहाँ से दबा हुआ है। अगर इस फोटोग्राफ को जजमेंट ले तो, अगर ये सीधा रखने के बाद अगर हो सकता है फ्लैट हो पता नहीं, पर गुरु पर्वत शुक्र के मुकाबले बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब यहाँ से उभार होता है तो पारिवारिक समस्या और पति पत्नी के बीच में भी मतभेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कभी कभी दूर भी रहना पड़ता है परिवार से, तो ये भी लक्षण मिलते हैं गुरु पर्वत के कारण। अब चलते हैं यहाँ पर अंदरूनी मंगल की ओर, और उसके पहले देखें तो यहाँ पर अगर ये स्क्वायर होगा, बहुत पतली रेखा वाला हाथ है, अगर ये स्क्वायर होगा तो 32 साल के पहले व्यक्ति को खुद का घर या प्रॉपर्टी आती है और 36 साल पे अथॉरिटी पोजीशन मिलती है। और छोटी छोटी रेखाएं
बीच बीच में चल रही है, तो मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में क्रिएट होते रहेंगे, अलग अलग पाँच पाँच छः छः सालों के लिए अलग अलग मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में क्रिएट होते रहेंगे। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, उठा हुआ है, तो व्यक्ति में शरीर की एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। और बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, इनके हाथ में बहुत सारी रेखा है, ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार बन जाता है, ये एक माइनस पॉइंट होता है। इसके लिए बेस्ट इलाज है मेडिटेशन और भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना, ये बेस्ट इलाज है इसके लिए। पर शरीर की एनर्जी काफ़ी अच्छी रहती है व्यक्ति की। अब भारी मंगल न ज़्यादा उभार है न ज़्यादा दबा हुआ है, तो किसी से तो बहुत एनर्जी के साथ मिलते होंगे और किसी में बहुत सेफ्टी लेकर मिलते होंगे, इस तरह की मानसिकता इनकी रहती होगी। और यहाँ पर मुझे बहुत सारी रेखाएं दिख रही है इस पार्ट में, ये हो ना हो इनको परिवार से रिलेटेड बहुत बड़े इश्यू खड़े रहते होंगे, क्योंकि ये रेखाएं ज़्यादातर पिता की ओर से या भाई की ओर से या बहनोई की ओर से, यानी बहन के पति की ओर से, ये तीन लोगों की ओर से कोई ना कोई पेन इनके जीवन में आता हुआ दिख रहा है इन रेखाओं के कारण। हो ना हो इनके जीवन में भी ये पेन रहता होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेखाएं होती है तो ज़्यादातर ये तीन लोगों से पेन उठाना पड़ता है व्यक्ति को। अब चलते इनके चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, ये व्यक्ति को रिफाइंड सोच देता है, निर्णय शक्ति अच्छी देता है, और बहुत सारी ट्रैवल लाइन भी है इनके हाथ में, और जीवन रेखा से भी अच्छी खासी लाइनें नीचे की ओर जा रही है। तो ऐसे लोगों की भी विदेश में लॉन्ग स्टे बनता है और कभी कभी सेटलमेंट भी हो जाता है। और इनकी बुध रेखा भी जा रही है यहाँ से सीधी, और एक और रेखा बनकर एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल बहुत बड़ा तो नहीं, पर फिर भी कंफर्टेबल इनकम व्यक्ति को जीवन में देता है। और इनके पाम का कलर काफ़ी अच्छा है, यानी व्यक्ति अच्छी तरह से रहता है, पैसा भी अच्छा कमाता है और खर्च भी अच्छा करता है, तो मनी ट्रायंगल भी अवेलेबल है इनके हाथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और शुक्र पर्वत भी काफ़ी क्लीन एंड नीट है, और गुरु पर्वत ऐसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, तो दोनों मिलकर अच्छा खासा धन इनके जीवन में देते होंगे और देते रहेंगे। और ऐसे जब गुलाबी हाथ वाले और इतना अच्छा शुक्र पर्वत होता है, तो व्यक्ति स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी तरह से रहते, अच्छे घरों में रहते, इस तरह की मानसिकता इनकी बनती है। अब इनकी हार्ट लाइन पर चले। हार्ट लाइन को दो तरह से हम डिवाइड कर सकते, एक तो कंप्लीट कवर लेकर घूम रही है, और दूसरा ये पार्ट में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है, तो ये भी एक समृद्धि की निशानी है। जब ऊपर के पार्ट में एवरेज से ज़्यादा स्पेस मिलता है तो भी व्यक्ति ज़्यादा समृद्ध होता है। दूसरा, जब इस तरह से घूमती है तो दुश्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता, ये सच्चे प्रेमी होते, जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करने की भी इनकी आदत होती है इस तरह की रेखा वालों का, पर बहुत अच्छे स्वभाव के होते, भावुक व्यक्ति होते, भावनाओं में निर्णय लेने वाले होते, तो ये बेस्ट हार्ट लाइन है। और ये हार्ट लाइन थोड़ी सी डार्क है, तो जीवन में झंझट मारिया काफ़ी रहती होगी इनके, यानी अपना पर्सनल जीवन ये कंफर्टेबल नहीं जी पाते जिनकी हार्ट लाइन मोटी होती है, कोई ना कोई झंझट मारिया चलती रहती है। दूसरी चीज़, यहाँ से एक रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है और थोड़ी सी झुक रही है मंगल की ओर, तो दोनों, एक तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है व्यक्ति की इस रेखा के कारण, और थोड़ी सी मंगल क्षेत्र पर टच होने के कारण थोड़ा सा गुस्सा भी व्यक्ति में ज्यादा रहता है। बाकी हार्ट लाइन काफी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन को देखें तो अंदरूनी मंगल से ही शुरू होकर सीधी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। ये जब यहां से शुरुआत होती है तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है, और ज्यादातर प्लान या तो कागजों पर रहते या
दिमाग में रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और चंद्र पर्वत को छूती है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ता है व्यक्ति का, और इतना बढ़ जाता है कि ये धीरे धीरे धार्मिक बनते, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिक बनेंगे, और एक समय ऐसा आएगा इनको इतनी झुक रही है ये रेखा कि इनको ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर के दर्शन हो रहे, इस तरह का भाव इनके जीवन में आएगा। यानी इतना इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगा इनका इस तरह की रेखा के कारण। और एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, बाहर वालों के लिए काफी अच्छे होते हैं पर घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत बोल बोल करते। ये वीडियो मिलने के बाद इनको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आपके बातों से दुखी होता है और उसका दुख आपको लगने का चांस रहता है। तो आप ये आदत छोड़ देना, नहीं तो ये आदत काफ़ी तकलीफ देती है। सामने वाला व्यक्ति जो आपके साथ रह रहा है, जिसको आप बोल बोल करते हो, वो आपसे परेशान रहता है। तो ये आदत आपको छोड़नी होगी। बाकी माइंड लाइन अच्छी है, थोड़ी सी छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा कम नहीं होती, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर ये लोग विस्फोटक बन जाते, ये एक माइनस पॉइंट होता है। अब चलते इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा देखे तो यहाँ से एक बदलाव एक बदलाव इस तरह से चल रही है। यहाँ पर भी ये राहु रेखा है, तो जीवन के बचपन में भी कोई ना कोई लगा वगा होगा इनको, या कोई ना कोई तकलीफ आई होगी लगभग 10-11 साल के आसपास, और एक 14 साल के आसपास इनको कोई तकलीफ आई होगी, एक तकलीफ इनको लगभग 17-18 के आसपास आई होगी। और इनका जीवन इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से इनकी जीवन रेखा स्मूथ चली, और ये आगे चलकर यहाँ पर मोटापा, यानी 30 के आसपास से मोटापा इनका आना शुरुआत हुआ होगा, और ये जीवन रेखा आगे बढ़ती बढ़ती इस तरह से घूम रही है। और इस पर दो चार जगह पे मुझे राहु रेखाओं का वार दिख रहा है, पर वो भी स्ट्रांग नहीं है। एक 40 के आसपास कोई राहु रेखा ने काटा है, एक लगभग 46 के आसपास राहु रेखा ने काटा है, एक 51 के आसपास राहु रेखा ने काटा है, और एक 53 के आसपास। ये चार राहु रेखाएं इनको काटती हुई दिख रही है, पर क्लोजअप में ये बहुत स्ट्रांग नहीं दिखी है, पर फिर भी राहु रेखा है तो कोई ना कोई तो जीवन में तकलीफ आती है। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन नॉन स्टॉप यहाँ से चली, और यहाँ पर आकर एक यव साइन दिख रही है। इस पीरियड में यानी टीनेज में इनके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आर्थिक आई हो सकती है, क्योंकि यव साइन है इनके फेट लाइन पर। तो ये पीरियड जो टीनेज वाला पीरियड होगा 6-7 साल का, उसमें कोई ना कोई मेजर तकलीफ इनको फाइनेंशियली आई हो सकती है जीवन में, और उसके बाद ये सीधी चली और यहाँ पर घुमाव लेकर आगे बढ़ी, और यहाँ से उम्र 36 से एक और फेट लाइन डेवलप हुई, और वो ये पूरी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। और इस पर भी देखे तो एक बार लगभग 26-27 के आसपास, एक 28 के आसपास, एक 29 के आसपास, एक 36 के आसपास, एक 40 के आसपास, और एक ये जो कट है ये इनको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करेगा। ये उम्र लगभग होगी 46 के आसपास। इस पीरियड में कोई ना कोई थोड़ी सी तकलीफ इनको जीवन में ज़्यादा आएगी, और उसके बाद एक ऑफशूट और जा रहा है। तो यहाँ कोई ये जैसे ही पीरियड पूरा होगा वैसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आएगी, और ये रेखा और आगे बढ़कर कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, और दूसरी भी रेखाएं चल रही है, तो मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में बने रहेंगे आगे चलकर। तो इस तरह से इनकी जीवन रेखा फेट लाइन चल रही है, और बुढ़ापे तक कंफर्टेबल इनकम होती रहेगी। केवल ये एक पार्ट थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, 46 वाला। हो सकता है इसी पीरियड में आपका विदेशागमन हो जाए, हो सकता है विदेश जाने के लिए आपका अच्छा खासा खर्च हो, और वो जो 6 महीने व्यक्ति के विदेश जाने आने में, वहाँ पर कोई ना कोई ढूंढने करने में व्यक्ति का खर्च भी होता है, उस तरफ भी इशारा कर सकती है। तो हो ना हो आपके लिए 46 का ईयर आप जो सोच रहे हो वो यहाँ पर होता दिख रहा है, और कंफर्टेबल इनकम बुढ़ापे तक होती रहेगी। कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल खाली 46 में थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा। तो आशा रखता है इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए,
और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।